हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 1, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग इसमें आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेल की शेप, साइज और फंक्शन के बारे में, ओके? और मैंने आपको बोला था कि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ओके? आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेल की मेम्ब्रेन के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ओके? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें देखते हैं हम लोग। एवरी सेल इज़ बाउंडेड बाई अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? जो सेल के बाहर की बाउंड्री होती है, ओके? उसमें आप देखेंगे वो डेलिकेट एक मेम्ब्रेन दिखेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या होती है, सेल के आउटर मोस्ट मीन्स बाहरी कवरिंग होती है, विच सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जिसका काम क्या होता है, जो जितना भी कंटेंट है सेल के अंदर का, ओके, उसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर बनाए रखे और जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको बचा कर रखे। जितनी भी बाहर, मतलब कि जितनी भी सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर ना जा सके, ओके। वी कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, इसको हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। स्ट्रक्चरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ओके। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बनी है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, विच आर प्रेजेंट इन अ विस्कस बाईलेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द इनर एंड द आउटर साइड ऑफ द लिपिड बाईलेयर। ये किससे मिलकर बनी है, लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, ओके। द फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स द सेल टू इनगल्फ इन टेक इन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लैक्सीबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये किस में हेल्प करती है, सेल को बाहरी है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी फ्लैक्सीबल होती है, ओके। ये किस में हेल्प करती है, जितने भी फूड हो गए या अदर सब्सटेंसेस हो गए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो उसको ताकि अंदर ले सके। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनगल्फिंग फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस, ओके। प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा गेट देयर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था ना, जो फूड कैसे लेता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, ओके। ये इसमें प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया, प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा गेट देयर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। वो अपनी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उसी की हेल्प से अपना फूड अंदर लेता है ना, ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करती है, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फंक्शंस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, देयर फोर इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। ये केवल उन्हीं सब्सटेंसेस की एंट्री या एग्जिट को बताता है, ठीक है, जो उसको अंदर चाहिए होते हैं, जिसकी एंट्री उसको ज़रूरत लगती है या फिर जिसको उसे बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो चीज़ उसको अंदर चाहिए उसकी एंट्री देगी, जो चीज़ उसको बाहर भेजनी है उसको एग्जिट करेगा, ओके। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। और इसके अंदर, सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये उसमें भी उसको हेल्प करती है ताकि वो बाहर ना निकल सके, ओके।
सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। और ये क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड कंटेंट है, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये ठीक है, जो सेमी फ्लूइड कंटेंट है उसको बाउंड करके मींस बांध कर रखती है अपने अंदर। जैसे मान लीजिए आप एक बैलून ले लीजिए, बैलून का एग्जांपल लेती हूँ मैं, बैलून में क्या फिल कर देंगे, वाटर, ओके। बैलून में आपने वाटर फिल कर दिया, अब जो बैलून हुआ वो क्या हुआ, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ओके, ये उसकी बाहरी लेयर हो गई और इसके अंदर क्या फिल है, सेमी फ्लूइड लिक्विड, ओके, जैसे कि हम इसको साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, ओके। ये हो गया हमारा इसके अंदर का सेमी फ्लूइड लिक्विड, और इसके अंदर बाकी चीज़ें, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और भी जितना भी कंटेंट होता है हमारे सेल के अंदर, ऑर्गेनल्स, वो सभी प्रेजेंट हैं। तो इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी एंड प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल। और ये क्या प्रोटेक्ट करता है, सेल को इंजरी करने से बचाता है, ठीक है, और उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को किसी तरह की इंजरी ना हो, वो डैमेज ना हो, उस चीज़ से भी उसको प्रोटेक्शन देता है। फोर्थ पॉइंट, इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स विद इन द सेल एज वेल एज बिटवीन वन सेल एंड अनदर, ओके। इट हैज़ कैरियर प्रोटीन्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये थे हमारी फंक्शंस किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ओके। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आपको अगर किसी भी, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछिए, और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स डे बाई डे कंप्लीट करते चलिए, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन एंड आउट ऑफ सेल, ओके। जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो किस तरह से होगा, वो हम किस में पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, ओके। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तब तक के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक बार अपने से रीडिंग करनी है, और उसमें जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछेंगे, और इसके नोट्स को आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।